गुरु प्यारे सात संगत जी, आओ गुरु गोबिंद सिंह जी दी बख्शी हुई गुरु पते नाल सांझ पाई। तनक वरी कच के आखो जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे सात संगत जी, मेरा नाम दलजानदीप सिंह है ते मैं 12 साल दा हाँ। अज मैं तुहाडे नाल गुरु अमरदास जी दे जीवन उत्ते एक साखी सांझी करन जा रहा हाँ। गुरु अमरदास जी, गुरु अमरदास जी सिख धर्म के तीसरे गुरु हैं, जिन्हों का जन्म अमृतसर के पिंड बासलके विखे 5 मई 1469 ईस्वी नूं पिता तेजपाल जी अते माता सुलखनी जी की कुखों होया। आप जी के 3 छोटे भरा ईशरदास जी, बाबा खेमराज जी और मणिक चंद जी सन। 28 साल की उम्र में आप जी का विआह देवी चंद जी की सपुत्री बीबी मनसा देवी नाल होया। 40 साल की उम्र तक उन्हों का कोई संतान नहीं सी। फिर बीबी दानी जी, बाद विच मोहन जी, मोहरी जी और बीबी भाणी जी ने जन्म लिया। श्री गुरु अंगद साहिब जी के दर्शनों नूं आउणा। श्री गुरु अंगद साहिब जी की सपुत्री बीबी अमरो जी गुरु अमरदास जी के भतीजे, जो कि उन्होंने छोटे भरा मणक चंद के सपुत्र नाल ब्याही हुई सी। एक दिन बीबी अमरो जी मधुर लय विच गुरबाणी का शब्द पढ़ रहे सी। गुरु अमरदास जी दे कन्ना विच यह मधुर बोल पए। वह यह मधुर बोल सुन के बहुत प्रभावित होए। उन्होंने बीबी जी ने पूछा, बीबी जी यह बाणी किसकी है? तो बीबी जी ने कहा, यह बाणी गुरु नानक देव जी की है और उन्होंने उन्होंने पिता गुरु अंगद देव जी ने बख्शी है, जो इस समय गुरु नानक देव जी की गद्दी पर विराजमान हैं। यह सुन के गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद साहिब जी के दर्शनों का निश्चय किया। बीबी जी ने लैके खडूर साहिब पहुँचे। खडूर साहिब पहुँच के उन्होंने गुरु जी के बचन सुने और दर्शन करके अपने मन की भटकावना दूर कर ली। काफ़ी अरसे तो गुरु अमरदास जी तीर्थ यात्रा, गंगा इशनान, देवी देवत्या की पूजा ते ब्राह्मणों को पुन्नदान करते आ रहे थे, पर उन्होंने मन की भटकावना दूर नहीं सी हो सकी उका भी। गोइंदवाल की उसारी और गुरगद्दी बख्शीस। श्री गुरु अंगद साहिब जी ने श्री गुरु अमरदास जी को गोइंदवाल नगर वसाउण की सेवा बख्शी। सन 1546 ईस्वी गोइंदवाल की सेवा आरंभ हुई। 11 साल की सेवा पिछों गुरु अमरदास जी लोगों के मगोल और तानिया अनसुना करके सन 1552 ईस्वी गुरगद्दी प्राप्त हुई। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने जो शांति तीर्थ यात्राओं के जान नाल नहीं मिली, वह गुरु की कृपा दृष्टि नाल एक बार विच मिल गई। गुरु अंगद साहिब जी ने आप जी नूं निथावियां दी थां आके वड्याया।